डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बात का ऐलान कर दिया है। उनका मानना है कि सीबीआई इंक्वायरी की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कल भले ही महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया हो कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने क्या बयान दिया है मैं आपको बताती हूँ। द पॉसिबिलिटी ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर बाय गवर्नमेंट इन द सुशांत सिंह राजपूत एलिस्ट सुसाइड केस हैज वास्टली इंक्रीज। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि इंक्रीज हो चुकी है इसकी पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। एट द वेरी मिनिमम द सीबीआई कैन टू बिगिन विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंड्यूस और असिस्टेड सुसाइड क्राइम अंडर सेक्शन 306 एंड 308 रीड विद सेक्शन 120 ए एंड बी ऑफ आईपीसी। दरअसल ये थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो इस बात से शुरू कर सकती है कि जो अबेडमेंट की बात हुई थी, अबेडमेंट ऑफ सुसाइड की, उसकी बात जो है वो कर रहे हैं कि उससे जो है वो शुरू कर सकती है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही उन्होंने ये डाला, बहुत सारे लोग जो हैं कहने लग गए हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक सक्सेसफुल बात है कि अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि अब डॉक्टर स्वामी ने खुद ही इस बात की ओर इशारा किया है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर बाय गवर्नमेंट इन द एसएसआर केस हैज वास्टली इंक्रीज। तो उनको लगता है कि जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही जल्दी जो है इसमें शुरू हो जाएगी। धारा 306, 308, सेक्शन 120 ए और बी के तहत हो आईपीसी की, उससे जो है इंक्वायरी शुरू हो। और मेरे ख्याल से उनका इशारा इसी बात की ओर है कि अबेडमेंट ऑफ सुसाइड की जो बात है कि किसने उकसाया, भले ही उससे शुरू की जाए, लेकिन इसमें जो है पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और ज़रूर जो है इसमें सीबीआई जांच होकर रहेगी।